अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं। दोस्तों, नवरात्रों का त्यौहार हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है जिसे पूरा भारत देश बहुत ही गर्व से मनाता है। नवरात्रों का जो शब्द है ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है दोस्तों नौ रातें। इन नौ रातों और 10 दिनों के दिन शक्ति देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है जिसे नवरात्र पूजा कहा जाता है। दोस्तों, नवरात्र फेस्टिवल वर्ष में 4 बार आता है। दो होते हैं गुप्त नवरात्रे, तीसरा दोस्तों शारदीय नवरात्रे और चौथा चैत्र नवरात्रे होता है। दोस्तों, नवरात्रि की नौ रातों में 3 देवियों के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती भी जिन्हें कहा जाता है और माँ दुर्गा जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। दोस्तों, इन 3 देवियों को दोस्तों इन नवरात्रों के दिनों में पूजा जाता है। माँ दुर्गा का मतलब होता है जीवन के दुख को हटाने वाली। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण और प्रमुख त्यौहार है जिसको पूरे भारत देश में पूरे उत्साह के साथ और खुशियों के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व दोस्तों हम आपको बताएं, नवरात्रों के 9 देवियों के नाम पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली देवी जिसकी प्रथम दिन पूजा की जाती है वो है शैलपुत्री जिसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। दोस्तों, तीसरा दिन चंद्रघटा माता को समर्पित किया जाता है जिसका अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। चौथा दिन होता है कूष्मांडा माँ का, दोस्तों इसका अर्थ है पूरा जगत उनके पैरों में है। पांचवा दिन स्कंद माता का होता है, इसका अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता। अगला दिन होता है माँ कात्यायनी का जिसका अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी। दोस्तों, अगला दिन होता है काल रात्रि का जिसका अर्थ है काल का नाश करने वाला। आठवां दिन होता है दोस्तों महागौरी का, इसका अर्थ है सफेद रंग वाली माँ। नौवां यानी कि आखिरी दिन दोस्तों होता है सिद्धिदात्री का, इसका अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। दोस्तों, नवरात्रे माँ शक्ति की उपासना का पर्व है। इस पर्व को नवमी तक निश्चित 9 तिथि 9 नक्षत्र 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री माता सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। इनका जो वाहन है वो है सिंह और माता कमल पुष्प पर ही आसन होती है। दोस्तों, सिद्धिदात्री माता की पूजा नवरात्रि के नौवें दिन की जाती है। नवरात्र का महत्व और त्यौहार हिंदुस्तान में अलग अलग भागों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। भारत के गुजरात प्रदेश में नवरात्र को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में मनाया जाता है। ये समारोह पूरी रात भर चलता रहता है। गुजरात में लोग अपनी भक्ति प्रदर्शन के लिए देवी के सम्मान में सबसे पहले गरबा करते हैं। आरती से पहले दोस्तों किया जाता है ये और डांडिया समारोह आरती के बाद किया जाता है। नवरात्रि का महत्व और पूजा विधि हम आपको बता देते हैं। नवरात्रि फेस्टिवल देवी अंबे का प्रतिनिधित्व है। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करने पर काफी लाभ होता है और इस दिन को पवित्र अवसर भी माना जाता है। नवरात्रि के त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती है। नवरात्रि पर्व माता दुर्गा की भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा करने के लिए सबसे ज्यादा शुभ और अचूक अवधि मानी जाती है। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि नवरात्रि के पहले 3 दिन किस देवी की पूजा करनी चाहिए। काफी लोगों को ये नहीं पता होता कि नवरात्रि के पहले 3 दिन क्या करें, तो इस दिन देवी दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। ये पूजा माता दुर्गा की ऊर्जा और शक्ति के लिए की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन बालिकाओं की पूजा करना चाहिए, इससे आपको दोस्तों शुभ फल मिलता है। नवरात्रि के दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है और नवरात्रि के तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण पे पहुंच चुकी है उनकी पूजा करनी चाहिए। इन सब पूजा को करने से देवी दुर्गा के विनाशकारी पहलू सब बुराई के प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं।
नवरात्रि के चौथे से छठे दिन दोस्तों आप ये काम करें तो आपको धन की प्राप्ति मिलेगी। जब कोई भी व्यक्ति अपने क्रोध, वासना, अहंकार और अन्य पशु प्रवृत्तियों की बुराइयां प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो व्यक्ति शून्य का अनुभव करता है। दोस्तों, आप अगर अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर अगर आप कंट्रोल कर ले तो आपको काफी हल्का महसूस होगा, काफी खुशनुमा महसूस होगा दोस्तों। और ये शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। अगर आपको धन और समृद्धि प्राप्त करनी है तो आपको देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन माता लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने से धन का लाभ होता है दोस्तों। नवरात्रि के पांचवें दिन माता देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी किताबों और अन्य साहित्य सामग्रियों को एक साथ रख दिया जाता है और एक दिया देवी का आशीर्वाद लेने के लिए देवता के सामने जलाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नवरात्र के सातवें और आठवें दिन की। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्र के सातवें दिन भी कला की देवी और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। नवरात्र के आठवें दिन यज्ञ किया जाता है। देवी दुर्गा को सम्मान और उनको विदा करने के लिए बलिदान देते हैं। दोस्तों, आपको अपनी बुराइयों का इस दिन बलिदान देना होता है। आप अपनी सभी बुराइयां इस दिन त्याग दें तो आपको उत्तम लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि के नौवें दिन की हम बात करें, नवरात्रि का नौवां दिन नवरात्र समारोह का आखिरी और अंतिम दिन होता है। ये दिन महानवमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नौवां दिन कन्या पूजन का दिन होता है। इस दिन कन्या पूजन होती है। कुछ लोग आठवें दिन भी कन्या पूजन कर देते हैं। इस दिन उन लोग लड़कियों की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची है। इन सभी नौ लड़कियों को देवी दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक ही माना जाता है। कन्याओं को दोस्तों उन लड़कियों को सम्मानित किया जाता है और स्वागत करने के लिए कन्याओं के पैर भी धोए जाते हैं। अब पूजा खत्म हो जाती है तो आखिरी में दोस्तों उन्हें नए कपड़े पेश किए जाते हैं। उन्हें भोग दोस्तों लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं, भोग में कन्याओं को माँ का भोग जो आप खिलाएंगे वो होता है छोले, आलू की सब्जी, पूड़ी, हलवा। दोस्तों, पूड़ी, हलवा, छोले माँ का प्रसाद है। आपको ये कन्याओं को जरूर जरूर खिलाना चाहिए। इसके बाद उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। हो सके तो नए कपड़े जरूर दें। साथ में आजकल तो लोग गिफ्ट्स देने लगे हैं। छोटी छोटी बच्चों को जो गिफ्ट्स पसंद आए, इस तरह के आप उन्हें साथ में गिफ्ट्स दे सकते हैं। उन्हें दक्षिणा दे। साथ में दोस्तों एक फ्रूट, जाते वक्त कन्याओं के हाथ में एक फ्रूट जरूर देना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी फ्रूट, अपनी श्रद्धा पूर्वक, अपनी क्षमता अनुसार आप जो फ्रूट चाहें, सीजनल फ्रूट या फिर आप केला भी दे सकते हैं। दोस्तों, आपको जाते वक्त कन्याओं के हाथ में कोई फ्रूट देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए और कन्याओं से आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम इन छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। मानते हैं कि माँ दुर्गा के सभी नौ रूपों का ये रूप होती है। इसलिए इस दिन आपको इन्हें सम्मानित करना चाहिए। भोग लगाने के बाद जब आप इन्हें विदा करेंगे दोस्तों तो आपको इनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि माँ दुर्गा ने स्वयं आपको आशीर्वाद दिया है। और इसी तरह से दोस्तों आपके नवरात्रों के व्रत का फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो आपका व्रत पूरा नहीं होता है। इसलिए कन्या पूजन व्रत के बाद एक बहुत ही जरूरी विधि है दोस्तों। दोस्तों, ये थी नवरात्र से जुड़ी कुछ जानकारी जो हमने आपको बताई, और हमने आपको बताया पूजन विधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ब्रज कन्या को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। माँ दुर्गा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।